हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज हम वीडियो करने वाले हैं, उसका टॉपिक ये हुआ कि आपकी शादी कब होगी और कैसी रहेगी। सो एक शादी के बाद की डिटेल्स, आपके पर्सन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग कैसी रहेगी, उन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पर तीन पायल जाएगी। पायल नंबर 1 है जिसके ऊपर द हर्मिट का कार्ड है, ये पायल नंबर 2 है जिसके ऊपर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये पायल नंबर 3 है जिसके ऊपर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने ऑलरेडी सारी पायल्स को शफल करके रख लिया है, आपको बस तीनों कार्ड में से चूज करना है किसी एक कार्ड को जिसमें आपको लगता है कि आपकी रीडिंग हो सकती है। यहाँ पर काफी सारे लोग पूछते हैं कि कार्ड्स को चूज करने का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस मैं वैसे कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अगर आप नए हो तो एक तो चीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और दूसरी चीज ये कि कार्ड को सिर्फ चूज करने के लिए आपको देखना है कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आंख बंद करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं अपने मन में कि कौन सा कार्ड आपके लिए सही होगा, और उसके बाद सिर्फ यही है कि जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसी के अंदर आपका आंसर है, ये चीज आपको बिलीव करनी है। एंड दैट्स इट। आप एक से ज्यादा पायल भी चूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों ही पायल मत चूज करिएगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सबसे ज्यादा आसान यही है कि आप एक पायल को चूज करिए, कोई भी एक पायल को, और अगर आपको एक पायल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो आप दो पायल्स को भी चूज कर सकते हैं ज्यादा जानने के लिए, और ज्यादा जानना हो तो आप दूसरी वीडियोज देख सकते हैं, उनमें किसी और पायल्स को चूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैं कहना चाह रही हूँ। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता, आप पर्सनली पूछना चाहते हैं कि किस तरह से पायल्स को चूज किया जाता है और किस तरह से ये प्रोसेस हो सकता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर समझा दूंगी कि ये कैसे होता है। और यहाँ पे चलिए, तीन पायल्स हैं, पायल नंबर 1, 2, 3, आपने तीनों में से किसी एक को चूज कर लिया होगा, तो स्टार्ट करेंगे पायल नंबर 1 के साथ, और पायल नंबर 1 द हर्मिट के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो पायल नंबर 1 जिन्होंने द हर्मिट का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं आपकी शादी कैसे होने वाली है और कब होने वाली है। सो काफी मिक्स्ड कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे ज्यादा तो मैं बात करूं तो एयर साइन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो एक चीज हो सकती है कि आप या आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, आपको किसी की बकवास सुनना पसंद नहीं है, आप अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करोगे इंस्टेड कि आपको किसी की बकवास झेलनी पड़े। यहाँ पे एक्चुअली हर कार्ड यही शो करता है कि आपको अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना, आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, आप बहुत शाय फील करते हो अपनी बात किसी को कहने में, ये सारी चीजें यहाँ पर इंडिकेट होती है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द हर्मिट के कार्ड से ही, तो जैसे मैंने बताया भी, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, आपको अपने आप को जानना ज्यादा अच्छा लगता है, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई एक ही ऐसा पर्सन हो जो आपको समझे, और वो उम्मीद ज्यादातर आपको आपके पार्टनर से ही होती है कि भाई ऐसा पार्टनर जरूर मिल जाए जो मुझे समझे, जो मेरी केयर करे, जो मेरी बातों को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी बातों को नहीं समझ पाते, आपको ऐसा हमेशा फील होता है, और लोग आपको ऐसे वियर्ड फील कराते हैं, आपको ऐसे फील कराते हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ, लेकिन आप चाहते हो कि कम से कम आपका पार्टनर ऐसा हो जो आपको ऐसा फील ना कराए, तो आप उसी की तलाश में हो, आपको वैसा ही पार्टनर चाहिए शादी करने के लिए। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके साथ ऐसा लगता है कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो, इसीलिए शायद आप अपने मन की बातें किसी को कह भी नहीं पाते, आपको लगता है आपकी जो सोच है ना वो दूसरों से अलग है, अगर आप किसी को कहते हो तो कोई समझ नहीं पाता, आपको मिस जज करते हैं, आपको रॉन्ग जज करते हैं, और उसके बाद आपके बारे में अजीब अनाप्शन आप बकते हैं, आपके बारे में बुरी राय बना लेते हैं, तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है जो आपके बारे में वो कहते हैं, और इसलिए आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि जिसके साथ आप खुल के जी पाओ, खुल के रह पाओ। यहाँ पर जैसे मैं आपके बारे में बता रही हूँ, आगे आगे मैं ये भी बताऊंगी कि आपकी शादी कैसे रहने वाली है और क्या आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जस्टिस का कार्ड है ही साथ में 4 रेड के, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी जो मन स्थिति है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जो आपके कंपैटिबल होंगे, जो आपके लायक होंगे, जो आपको डिजर्व करते होंगे। अगर आपको इस तरह की कोई टेंशन है कि आपको इस तरह का पर्सन नहीं मिलेगा जिसकी सोच आपके जैसी हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको ऐसा पर्सन जरूर मिलेंगे जो जिनकी सोच आपके जैसी होगी, जो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, और जो आपको आप बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेंगे, जिनके मन में आपके लिए ढेर सारा प्यार होगा और केयर करते होंगे, वो पर्सन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ये बात भी है, तो इसलिए आपको उनकी इसलिए उनको आपकी लॉजिकल बातें बहुत अच्छी भी लगेंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपकी जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं,
वो इंसान का भी जो माइंड सेट है ना, वो काफी हद तक आपके जैसा होगा, तो इसलिए वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो भी आपके मन की बातें हैं, और वो इवन आपको भी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि आपको अपना जो बिहेवियर है किस तरह से पोर्ट्रे करना है दूसरों के आगे, सो दैट जो लोग आपको मिसजज करते हैं वो ना करें और आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए जीने के लिए। आपके पर्सन है वो भी इंट्रोवर्ट ही लगते हैं, वो भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, ज्यादा किसी घुलते मिलते नहीं है लोगों से, उनके कोई बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, गिने चुने फ्रेंड्स हैं, फैमिली में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी इंट्रोवर्ट्स ही हैं, और आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करने में उन्हें एक्चुअली आपके सामने खुलने में भी उनको टाइम लगेगा, सेम जैसे आपको भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनेगी, क्योंकि ग्रेजुअली लगता है कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। और ये चीज़ ना दोनों तरफा हो सकती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी ईगो रखते हैं बहुत ज्यादा, या फिर वो अपनी ईगो बहुत ज्यादा रखते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों में ईगो क्लैशेज हो, प्रॉब्लम्स बढ़े, और फिर आपके रिश्ते को संभालना आप दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते आप दोनों, अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही ये दिखाते हैं कि हमारे लिए हमारा ईगो इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारी कही गई बात ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में रिश्ते कई बार निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिश्तों में हमेशा ऐसा ही होता है कि एक को तो थोड़ा सा झुकना ही पड़ता है किसी ना किसी सिचुएशन पे, वो सिचुएशनल होता है। देखो, कभी तुम मान लो, कभी मैं मान लूं, दोनों ही हमेशा मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना कि एक ही बात पे एग्री हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों हमेशा सेम ही सोचे और कोई कॉन्ट्राडिक्शन उनके बीच में हो ही ना कभी, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है तो जाहिर बात है ना कि कैसे हो सकता है। तो कभी कभी वो सिचुएशंस आएंगी जब आपको लगेगा आप सही हो और उनको लगेगा वो सही है, और आप दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा, तो जो हैंगडमैन वाली सिचुएशन है ना, वही आपके रिश्ते की होने वाली है। उल्टा लटकना पड़ जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत स्ट्रगलिंग रहेगा। और यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है साथ में, वो यही बोल रहा है कि आप दोनों एक बहुत ही पावरफुल लोग हो, बहुत ही ज्यादा आपका जो कह सकते हैं जो नेचर है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों को साथ में होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने बैलेंस करें, अपनी अपनी पावर्स को, अपने अपने फोर्सेस को बैलेंस करें, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, दो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो वही बात है। तो आप दोनों को तलवार नहीं बनना है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे साथ जलप करने के लिए, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, जो कि आप ग्रेजुअली समझेंगे भी, लेकिन दोनों का ही नेचर एक दूसरे के जैसा ही है, तो अगर आप झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लॉयल नहीं है या वो लॉयल नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है या वो ऑनेस्ट नहीं है, या और कोई कंडीशंस हो या और कोई प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, सिर्फ आपके जो ईगो है, आप दोनों का गुस्सा है, वो आपके रिलेशनशिप को पलट के रख सकता है। यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ तो आप चाहे तो थ्रू आउट लाइफ बहुत ज्यादा खुश रह सकते हैं, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, इवन योर पार्टनर हैव एवरीथिंग इन हिज लाइफ, जो कि एक अच्छी जिंदगी को बनाने के लिए चाहिए होता है। एंड सिमिलरली गुस्सा और ईगो, वो एक ऐसी चीज है जो कि कितनी भी अच्छी जिंदगी क्यों ना हो, उसको खराब करने के लिए काफी है। तो ये आप दोनों के हक में है, आप दोनों के डिसाइड में है कि क्या करना चाहते हो आप इस चीज के साथ, आपको वो गुस्सा ज्यादा प्यारा है या अपना रिश्ता ज्यादा प्यारा है। सो दिस इज काइंड ऑफ एक्चुअली टफ सिचुएशन, और काफी मतलब हार्ड रीडिंग है करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं कि चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव, सो इट्स अप टू यू। एंड ऐसा आपको लगता है कि आप ही क्यों झुको, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब एक इंसान झुकता है, एक इंसान प्यार शो करता है, तो दूसरे को रियलाइज जरूर होता है, और ये बस समझदारी खुद की होती है कि पहले किसको रियलाइज हो जाए ये बात कि भाई मुझे अपना रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी ईगो से, मुझे पहले समझाना है अपने आप को, और फिर धीरे धीरे जब मैं ही समझ जाऊंगा तो सामने वाला धीरे धीरे आपको देख के समझ ही जाएगा, और साथ में आप उसे समझा भी सकते हैं। सोल्यूशन यही है, धीरे धीरे जब भी कुछ भी होगा तो ग्रेजुअली उसकी उम्मीद करें, एकदम से कुछ भी सही भी नहीं होता है, ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ती हैं और ग्रेजुअली चीजें ठीक होती हैं। बुरा होने में भी ना बहुत टाइम लगता है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं तब जाके चीजें बुरी होती हैं, तो इसी तरह से अच्छा करने के लिए भी कई बार बहुत टाइम लगता है, तब जाके चीजें अच्छी होती है, सुधरती है। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब आपकी शादी कब हो सकती है, तो ऐसा यहाँ पे लगता है कि आपकी शादी
नेक्स्ट 2 ईयर्स में हो सकती है। अभी 8-10 महीने अगर बात करें तो रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन कुछ पक्का होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उतने में तो ये साल निकल ही जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर बहुत पॉसिबिलिटी है आपकी शादी होने की। अगर इस साल नवंबर में नहीं होती आपकी शादी, तो दिसंबर के बाद से महीने एक्चुअली और ज़्यादा टफ होते जाएंगे। हो सकता है मैरिज फिक्स होने के बाद भी पोस्टपोन हो जाए, तो बेटर यही है कि नवंबर तक अगर आपको कोई रिश्ता मिलता है, कोई बात बनती है तो शादी हो सकती है तो कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक तक आपको वेट करना पड़ेगा। रिश्ता पक्का हो सकता है लेकिन शादी होना थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, तो 2 साल मान के चलिए ओवरऑल। सो ये थी रीडिंग आपकी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो है मनी के बारे में। एक्चुअली हम मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये मनी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम भी है, तो मनी के लिए एफर्मेशन करते हैं, आई एम मनी मैग्नेट। सो 5 बार आंख बंद करके बोलिए, आई एम मनी मैग्नेट, 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 एंड थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ही हमको मनी मैग्नेट बना रहा है ना, तो यूनिवर्स को थैंक यू करना ना भूले, ग्रैटिट्यूड शो करना कभी ना भूले। कमेंट सेक्शन में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करें, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपने आप को मनी मैग्नेट समझिए, और जैसे मैं आपको बताया है पॉजिटिव एफर्मेशंस करने के तरीके, एक तो आंखें बंद करके मेडिटेट करिए, और ये जो कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन है उसको एटलीस्ट 5 बार तो बोलिए ही, नहीं तो आप पेन ले सकते हैं, डायरी ले सकते हैं और अपनी डायरी में लिखिए, जितनी बार लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, 11 टाइम्स लिख सकते हैं, 21 टाइम्स लिख सकते हैं, 31 टाइम्स लिख सकते हैं, 51 टाइम्स लिख सकते हैं। सो जितना आपका मन करे उतना टाइम लिख सकते हैं, और गुड लक, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज किया था, यहाँ पे बात करें आपकी शादी कब होगी और कैसी रहेगी, तो शुरुआत करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही। यहाँ पर ऐसा लगता है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी आपको आपकी शादी में, मेहनत करनी पड़ेगी, काम बहुत ज़्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। हो सकता है आप जैसे घर संभाल रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब हैक्टिक हो सकती है, घर का काम हैक्टिक हो सकता है, सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज, लेकिन आप मैनेज तो ज़रूर कर ही लेंगे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप डटे रहेंगे आपकी मैरिज में, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमारे लाइफ में, कि कई बार काम बहुत ज़्यादा होता है, हम एक्टिव फील करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जितनी काम कर रहे हैं उतनी हम मेहनत का फल हमें मिलता नहीं है, उतने हम पैसे नहीं कमा पाते, या फिर उतना अच्छा घूम फिर नहीं पा रहे या रिलैक्स नहीं कर पा रहे, तो यही छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स हैं आपके शादी में, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे नहीं दिखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होगी तो कभी कभी आप रिलैक्स भी करेंगे, सो इट जस्ट लाइक दैट। फिर उसके बाद है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये कहता है कि लव मैरिज हो सकती है। 2 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप बिल्कुल जिसे शादी करेंगे वो आपके इक्वल होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझेंगे, आप उन्हें बहुत समझेंगे, आप दोनों के अंदर प्यार होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, म्यूचुअल केयर होगी, एंड एवरीथिंग विल बी म्यूचुअल इनफ, और रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा, रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला होगा, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करोगे और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहोगे, और इक्वल मेहनत करोगे एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि एक जना बहुत ज़्यादा एक होता है ना, जैसे कई बार रिलेशनशिप इस तरह का होता है, एक होता है फैब, दूसरा होता है क्या होता है दूसरा मतलब अपने आप को स्टार समझते हैं कि भाई एक जना एक दूसरे के पीछे भागता रहता है, वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका, आप दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, आप दोनों एक दूसरे की बराबर कदर करोगे, एक दूसरे के साथ बराबर टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। उसके बाद है द मैजिशियन का कार्ड। ये शो करता है कि आप इन चीज़ों में बिलीव करने लगे हो, मैनिफेस्टेशन, टैरो या फिर भविष्य देखना जानना, आप इन चीज़ों में बिलीव करने लगे हो और आप स्पिरिचुअल होने वाले हो, स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करने वाले हो, सकता है पूजा पाठ शुरू करो, हो सकता है इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगो शादी के बाद, तो ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। हो सकता है आप बुक्स रीड करने लग जाओ, ये आपके हस्बैंड का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपकी वाइफ का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके ऊपर, कि आप इस वजह से ये आप में मतलब एक विजडम आने वाली है आफ्टर मैरिज, कि आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से सोचने लगोगे और ज़्यादा गहराई से समझने लगोगे। तो यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि मैरिज के बाद आप ना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने लग जाए आपको, आप बीमार हो सकते हो,
आपको ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ के, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ज्यादा बेड रेस्ट करना पड़े, ज्यादा इलनेस फील हो, आपको ऐसा लगे, आप मेंटली फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, मेंटली भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि फिजिकल ही इलनेस हो वो, लेकिन वो दोनों ही चीजों पे इम्पैक्ट तो जरूर करेगी, आपकी फिजिकल स्टेट पे भी और मेंटल स्टेट पर भी। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि टाइम जरूर चेंज होगा, ऐसा नहीं है शादी हमेशा एक जैसी रहती है, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो चेंज तो होंगी चीजें। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आगे जाके चीजें चेंज होगी और आप बहुत ज्यादा अच्छे से करने वाले हो अपनी मैरिज में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिखता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप कैपेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं आप अकेले हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं या वाइफ आपको सपोर्ट कर रही है, इवन इन लॉज या जो भी है रिश्तेदार, जो भी है, कोई आपके सामने कुछ नहीं कह रहा है, एवरीवन इज सपोर्टिंग यू बिकॉज दे रियली केयर अबाउट यू। लेकिन उसके बाद फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन लगता है कि चाहे आपके पति बच्चे आपका साथ छोड़े या ना छोड़े, बाकी लोगों को आपसे जलन होगी, प्रॉब्लम होगी, वो आपका रास्ता जरूर काटने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो, सकता है और रिश्तेदारों के एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आपकी प्रॉब्लम हो, और ये चलती रहती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप ये पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हो, ये तो सबको ही पता है, अगर आप अपने आप को ही खुश रख लो वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपने पार्टनर को अच्छा फील करा दो, उसको खुश रख लो, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। ऐसे सोचना कि भाई मैं भी खुश रहूं और मेरे आसपास के सारे खुश रहे, तो इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स नॉट योर जॉब, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते, ऐसा होता भी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है, तो वो तो सोचिए मत। तो आप चाहे कितने भी ज्यादा ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, चाहे थ्री ऑफ पेंटिकल्स उसके साथ हो, फिर भी फाइव ऑफ पॉइंट्स होगा ही, लोगों को आपसे प्रॉब्लम होगी, लोगों को आपसे जलन होगी, लोगों को आपके गुस्सा भी आएगा, लोगों को आपसे उम्मीद होगी जो शायद आप पूरी ना कर पाओ, पर चलो जो भी है, आप इन सब चीजों को छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दोगे, आप इंस्पायर करोगे लोगों को, आप शायद हो सकता है कि अच्छी जॉब करो, खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर मैरिज, और आपके हस्बैंड थ्रू आउट आपको उन सब चीजों में सपोर्ट करेंगे, बिकॉज मैं यहाँ पे फिर से कह रही हूँ लव मैरिज भी हो सकती है, और अगर लव मैरिज नहीं है तो भी आप दोनों में बहुत प्यार होगा एज अ कपल, और बहुत ज्यादा खूबसूरत रिश्ता होगा आप दोनों का, एंड यू विल लीड अ ओवरऑल हैप्पी मैरिज लाइफ। और यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है, कितने टाइम में हो सकती है। सो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा लगता है कि आपकी शादी एक साल में हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग चांसेस है, दो साल में भी हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग चांसेस है, और तीन साल में भी हो सकती है, उसके भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग चांसेस है। उससे ज्यादा अगर आप लंबा खींचते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर जरूर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली देखो, हर आपका जो बेसिकली जो टाइम पीरियड है जिसमें आपकी शादी के योग बन रहे हैं, तो वो 1, 2, 3 तीन साल का है। तीन साल में आपकी शादी बहुत अच्छे से हो सकती है, आप जैसा चाहते हो वैसा पर्सन आपको मिल सकता है, और जैसा मैंने डिस्क्राइब भी किया है बहुत अच्छे पर्सन है। अगर तीन साल आप निकाल देते हो तो फिर आपको फोर्थ और फिफ्थ ईयर में बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, तब आपकी शादी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। फिर पांच साल निकलने के बाद फिर से योग है, आपकी शादी हो सकती है, 7 मतलब 6 साल में हो सकती है, 7 साल में हो सकती है, आज की डेट से लेकर आप जब भी ये वीडियो देखें, टाइमलेस रीडिंग है, फिर 6, 6 साल में हो सकती है, 7वें साल में हो सकती है, उसके बाद भी मतलब हो सकती है, लेकिन 4 या 5 साल बहुत डिफिकल्ट रहेंगे अगर आपने शुरू के 3 साल निकाल दिए तो। हालांकि 3 साल अपने आप में इतना बड़ा टाइम पीरियड है कि आप उसमें शादी कर ही लेंगे और शादी हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपकी उम्र बहुत कम है, मान लो अगर आप 20 के हो तो 23 तक आपकी शादी नहीं हो सकती, तो 24 और 25 में नहीं होगी, 26 में होगी, फिर 27 में होगी। इस तरीके से अगर मान लो आप 30 के हो चुके हो तो अगले साल में आपकी शादी हो जाएगी, बिकॉज 30 इज ऑलमोस्ट एलिजिबल एज, और आप उसमें रिश्ता ढूंढ ही रहे होंगे, शादी भी करना चाह रहे होंगे, मेंटली भी प्रिपेयर होंगे, तो ऐसे में 31 में 32 में 33 में आपकी शादी हो ही जाएगी, और अगर आप 33 क्रॉस कर देते हो तो 34-35 में शादी होना मुश्किल होगा आपके लिए। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ओवर रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की जो मैनिफेस्टेशन है वो मनी को लेकर है, आई एम मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स, ये जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और वीडियोस को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लेना, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने 7 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं आपकी शादी कब होने वाली है और कैसी रहने वाली है।
सो यहाँ पर सेवन ऑफ कप से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक तो आदत है सपने देखने की, आप दिन भर में सपने देखते रहते हो, सोचते रहते हो, इमेजिन करते रहते हो कुछ ना कुछ, और आप शादी के बारे में भी सोच रहे हो बचपन से। आपको शादी करने का बड़ा शौक है, बड़ा चाव है कि शादी हो जाए, बड़े मजे आएंगे, मैं ऐसे ऐसे लाइफ जीऊंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा लहंगा पहनना है, और वगैरह वगैरह। इस तरह के आपके शौक भी हैं और आप चाहते भी हो आपकी जल्दी शादी हो जाए, और एट ऑफ वॉन्ट्स है उसके साथ, तो हो सकता है कि आपकी जल्दी शादी हो भी जाए। कोई यहाँ पर ऐसा मतलब बहुत बड़ा रुकावट तो नहीं दिखती। अगर आप हाँ नहीं करना चाहते जल्दी शादी, आपका मन बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं जल्दी शादी करना तो आपकी 25 से पहले ही शादी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी 25 से पहले शादी हो जाए। उसके बाद द मून का कार्ड है, वो ऐसे शो करता है कि शादी के बाद आपको कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। देखो पहले शादी से पहले तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, बड़े आपको लगता है कि सब कुछ सही है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन शादी के बाद हो सकता है कि चाहे आपकी कितनी भी एज हो, जब भी आपकी शादी होगी ना, शादी के बाद आप इनसिक्योर फील करोगे। हो सकता है जैसे शादी के बाद देखो बहुत सारे लोगों की नज़र में आते हो आप लोग, तो वहां पर लोग आपकी जैसे शक्ल के बारे में कुछ बोले, आपकी लुक्स के बारे में कुछ बोले, हाइट वेट के बारे में कमेंट करें, तो उसकी वजह से आप ना फील करोगे इनसिक्योर, आपको लगेगा दैट यू आर नॉट गुड गुड इनफ। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है शादी के टाइम पे, चाहे वो लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, लोग आपको जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब, सैलरी, आपकी फैमिली कहाँ की है, आप कहाँ रहते हो, क्या आपकी बिलोंगिंग्स है, सब चीज़ों के बेसिस पे जज किया जाता है। कोई कोई लकी लोग होते हैं जिनके लुक्स के ऊपर कमेंट नहीं होता उनकी शादी के टाइम पे, रेयर 1%, मेरे ख्याल से 0.0001% लोग होते होंगे जिनके लुक्स के ऊपर कमेंट नहीं करते, वरना सबको ही कमेंट ही करते हैं कि दूल्हा कैसा दिख रहा है, दुल्हन कैसी दिख रही है, जोड़ी कैसी दिख रही है, कपड़े कैसे पहने हैं, एंड एवरीथिंग, कैसा इंतजाम कर रखा है। वी आर लाइक सो जजी अबाउट मैरिजेस, स्पेशली इन इंडिया, कि हमें हर चीज में ये देखना ही देखना है कि अरेंजमेंट कैसा है, सब कुछ कैसा है, और जो चीज़ हमें लगता है कि हम अकॉर्डिंग टू अस बहुत अच्छी नहीं है तो हम उसके लिए नुक्स निकालते ही निकालते हैं। तो ये सारी इनसिक्योरिटीज, ये सारे इल्यूजन्स आपको भी फील होंगे आफ्टर मैरिज, एंड इट्स डेफिनेटली देयर, बट ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रहने वाला है। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएंगे, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और लोगों को ये बोलने की आदत होती है बिकॉज उनको गॉसिप करना अच्छा लगता है, उनको उनके पास वेला है, वेले हैं लोग, खाली टाइम है, तो उनको ये चीज अच्छी लगती है, तो इसलिए लोग करते हैं। यूं नहीं है कि आप में कमी है इसलिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें आप समझ जाओगे, मैनेज कर लोगे। फिर उसके बाद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि शादी के बाद आपको प्रमोशन मिल सकती है, अगर आप जो जॉब कर रहे हो तो उस जॉब में रेज मिल सकता है, पैसे बढ़ सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, हो सकता है प्रमोट हो जाओ, हो सकता है उससे बेटर जॉब करने लग जाओ, जो भी है अच्छी बात है, अच्छा ही होगा फाइनेंशियली आपके लिए। उसके बाद हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, वो ये शो करता है कि शादी के बाद जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, आप दूसरों का भी समझेंगे और अपना भी समझेंगे और सोच समझ के फैसले लिया करेंगे, क्योंकि पहले बचपन में या फिर जैसे कह सकते हैं शादी से पहले आपका इस तरह का नेचर रहा है कि आप इंपल्सिवली डिसीजन लेते थे, जो आपका मन करता है आप वैसे डिसीजन ले लेते हो, आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे, लेकिन जब से आपकी शादी हो जाएगी आप समझदार हो जाओगे, आप काफी पॉइज्ड हो जाओगे, काफी ज्यादा एक होता है ना ग्रेसफुल एलिगेंट, कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, समझदारों वाली बातें करना, बेसिकली मैच्योर पर्सन आप उसकी तरह बिहेव भी करोगे और हो भी जाओगे। मतलब आपको ये रहेगा कि मेरे को जो करना बहुत अच्छे से करना है, मेरे को कोई बचपना नहीं शो करना, मेरे को हर चीज बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, तो वो वाली क्वालिटीज आप में अंदर आ जाएगी शादी के बाद। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि जो भी आपके पार्टनर होंगे जल्दी मिलने वाले हैं आपको, अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप 25 क्रॉस कर चुके हैं, तो भी कोई बात नहीं, आपको जल्दी ही कोई रिश्ता अच्छा आ जाएगा जिससे आपकी शादी हो जाएगी, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपको लगता है पता नहीं कितने साल और लगेंगे, कब आपकी शादी होगी, कब कैसा होगा। देखो शादी से पहले तक ही ऐसा लगता है कि शादी कब होगी, एक बार जब हो जाते हैं तो आपको लगता है कि क्यों ही हुई है। मतलब हर केस में ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको ये फील होता है, लेकिन किसी ना किसी भले दिन पे बुरे दिन पे आपको ये ख्याल आ ही जाता है कि यार मैं इसके लिए टेंशन ले रही थी, ये करने के लिए टेंशन ले रहे थे हम लोग, इस चीज के लिए हमारा जन्म होता है कि एक दिन शादी करनी है, एक दिन लहंगा पहनना, ये सिर्फ ये, मतलब वो फीलिंग आ ही जाएगी, चिंता मत करो,
तो जब तक नहीं हो रही ना, वो टाइम को एंजॉय करो, वो टाइम भी बहुत अच्छा है। और चाहे आपको कितना भी बुरा लग रहा हो, लेकिन ये टाइम भी बहुत अच्छा है, शादी वाले के बाद के टाइम से तो बहुत ही अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा नहीं है कि शादी का टाइम बहुत बुरा होता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, ठीक है। शादी से पहले का टाइम भी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, शादी के बाद का टाइम भी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जाहिर होता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इट्स चाहे मैरिज हो या ना हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन स्टिल जो शादी से पहले वाला टाइम होता है, उसमें आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, आपकी ख्वाहिशें बहुत होती हैं, आपको ये नहीं पता होता उन्हें पूरा कैसे करना है, लेकिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती। तो आप ख्वाहिशों के बारे में सोच सकते हो, ख्वाहिशों को देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये ख्वाहिश है, ये पूरी करनी है, वो पूरी करनी है। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है कि चाहे कितनी बकेट लिस्ट बना लो, आपके पास उनको पूरा करने का टाइम भी नहीं होता, बिकॉज आप वो चीजें कर रहे होते हैं जिससे आप दूसरों को खुश कर सके, जिसके लिए मतलब शादी के बाद आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके पास जितने भी जिम्मेदारी होते हैं वो ज्यादातर आपकी नहीं, वो दूसरों की होती है, और सब आपको ऐसे रियलाइज करते हैं कि ये इस आप ही की जिम्मेदारियां हैं, ये आप ही को पूरी करनी है। जबकि आप अपनी जिंदगी में अपने खुद के लिए क्या कर रहे हो, एक बार बैठ के सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ नहीं, आप बस दुनियादारी निभा रहे हो, दुनियादारी में जी रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो वैसी शादी से अच्छा है कि शादी थोड़ी टाइम बाद ही हो जाए, समझो उस चीज को। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी 25 से पहले शादी हो जाए, और जो लोग 25 क्रॉस कर चुके हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है। सो ये ईयर तो मुझे लगता है कि निकल ही जाएगा, इस ईयर में तो आपकी शादी होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। अगस्त में हो सकता है कि आपको कोई, इसी अगस्त में, अगस्त 2021 में हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता मिले, कोई ऐसा रिश्ता मिले जो आपको लगता है आपके लायक है, तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तब भी नहीं मिलता है तो उसके बाद तो कम ही चांसेस है कि इस ईयर में आपको रिश्ता मिले। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट 2 सालों में बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, उन नेक्स्ट 2 सालों में आपकी शादी जरूर हो सकती है। तो ओवरऑल नेक्स्ट 3 इयर्स आपके लिए शादी करने के लिए बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली 3 क्यों, नेक्स्ट 6 इयर्स ही बहुत अच्छे हैं। बस आप अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढ लीजिए जिससे आप शादी करना चाहते हैं, एंड दैट्स इट। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शादी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि क्या वो सामने वाला पर्सन आपके कंपैटिबल है या नहीं है हर तरीके से, क्योंकि बाद में एक दूसरे के साथ रहते रहते छोटी छोटी चीजें तो होती ही रहती हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी है या नहीं, सोच मिलती है या नहीं, बैकग्राउंड मिलता है या नहीं, एजुकेशन मिलती है या नहीं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक पॉइंट पे, क्योंकि यही चीजें डिसाइड करती है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, और आप दोनों की जिंदगी कैसी होगी आगे जाके। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, और अगर वेट करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, बस उस वेट करने वाले टाइम को इंजॉय करो, उस टाइम में अपने आप को एक्सपेंड करो, उस टाइम में अपने ऊपर काम करो, अपने लिए कोई अच्छी जॉब देखो, अपने लिए कोई हॉबी क्रिएट करो, घूमने फिरने जाओ या जो करना चाहते हो वो करो, पर खुश रहो। सो आज की यही रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो है मनी के बारे में, हम मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आज हम बोलेंगे आई एम मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स। और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना, आई होप कि आपको इससे फायदा होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप एक तो पेन और डायरी ले सकते हैं, तो अपनी डायरी में आप 21 टाइम्स, 31 टाइम्स, 51 टाइम्स, 100 टाइम्स, कितनी बार भी लिखना चाहते हो उतनी बार लिख सकते हो। जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर नंबर ही होना चाहिए, कई लोग जैसे बोलते हैं कि 33 होना चाहिए, 55 टाइम्स लिखो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 100 टाइम्स भी लिखते हो तो कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है चीजें, और ये बस उसी के लिए ही करते हैं हम। और या फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं बिना लिखे भी, तो आप बस अपनी आंखें बंद करिए और जो भी पॉजिटिव एफर्मेशन आप बोलना चाहते हैं उसे बोले, 5 बार बोले, 10 बार बोले, 20 बार बोले, गिनती भूल जाओ बेशक, उतनी बार बोलो और मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीजें। 21 डेज तक ट्राई करो एटलीस्ट, क्योंकि देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों को। 21 डेज में तो अगर आप वीक मैनिफेस्टर भी हो ना, तो भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही लोगे, तो इसलिए 21 डेज तो जरूर ट्राई करना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि उनसे मेडिटेशन नहीं होता, योगा नहीं होता, तो प्लीज करके देखो पहले, होगा या नहीं होगा तो ये तो बात की बात है, और होने को क्या क्या नहीं होता, ये तो फिर भी खाली बैठ के आँख ही तो बंद करनी है, ये काम तो हो ही जाएगा और हो भी जाना चाहिए। सो ये थी रीडिंग, ये थी आज की विजडम,
आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर बताना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।